सो हे गाइस, यहाँ पे लावा ब्लेज 2 5G स्मार्टफोन लो, जो कि लावा ब्लेज 5G का सक्सेसर है, और इसका जो लुक और डिजाइन है ना, बहुत ज्यादा कमाल का। इस वीडियो में गाइस 100% कंफर्म इसके स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, कब लॉन्च होगा, और साथ में 100% कंफर्म प्राइस भी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे गाइस वीडियो पूरा देखना, गाइस आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। सबसे पहले लुक देखो यार, मतलब पीछे ग्लास बैक है, ये तो एकदम 100% कंफर्म है। और लावा ब्लेज जो था ना, उसका मैंने वीडियो बनाया था, आप लोगों ने नहीं देखा तो एक बार और देख लेना। बाकी उसका जो लुक था थोड़ा अलग था, ये टोटली डिफरेंट है, और लावा अग्नि 2 से इंस्पायर है ऐसा बोल सकते हैं। और डेफिनेटली गाइस इसमें बहुत अच्छे कलर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, और कैमरा वगैरह बहुत सही मेरे को लग रहा है। और जो रिंग वाला कैमरा है, साथ में रिंग वाला जो लाइट पीछे मिलने वाला है ना, लाइक अभी जैसे टेक्नो का फोन आ गया, नथिंग का जब से लाइट वाला आया है ना, बस तब से सब लोग अपने बैक में थोड़े बहुत लाइट चमका रहे हैं। तो गाइस हमारा लावा भी पीछे नहीं है, ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, ये मेरे को बहुत ज्यादा सही लगा। और यहाँ पे स्पेक्स की बात कर लेते हैं, यहाँ पे गाइस आपको देखने को मिलेगा 6.67 इंच का एक फुल HD डिस्प्ले। यहाँ पे गाइस फुल HD इसलिए क्योंकि पिछले बार लावा ब्लेज HD प्लस डिस्प्ले के साथ लॉन्च हुआ था, तो मैं चाहता हूँ गाइस कि फुल HD हो, और ऐसा ही होना चाहिए, वरना 2 सेकेंड जनरेशन आने का मतलब ही क्या होगा। ये होने वाला है, और साथ में गाइस यहाँ पे AMOLED होगा नहीं होगा, शायद AMOLED नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर AMOLED दे देता है तो 4 चांद लग जाने वाले हैं। और यहाँ पे गाइस आप लोगों को देखने को मिलेगा प्रोसेसर, जो कि लावा ब्लेज प्रो 5G, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी दिया है कुछ दिन पहले, वही वाला प्रोसेसर है, Dimensity T6020 प्रोसेसर, यही वाला जो प्रोसेसर है वो इसमें यूज किया जा रहा है। तो गाइस यहाँ पे वही प्रोसेसर है, जो अंततः स्कोर है अराउंड 4 लाख के उस ऊपर है, और अराउंड 4 लाख ऐसा बोल सकते हो, तो मुझे ठीक लगा। बट मैं ऐसा सोच रहा था कि इसको थोड़ा सा और अच्छे प्राइस में और अच्छे प्रोसेसर के साथ लॉन्च करना चाहिए था, लेकिन जब मैंने इसका प्रोसेसर देखा तो मेरे को प्राइस जो है वो माइंड में किक कर गया। और यहाँ पे 100% प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूँ इस प्रोसेसर के होने का, और साथ में लावा ने रिवील भी कर दिया है, बट यहाँ पे बाकी चीज रिवील नहीं हो। जैसे कि इस फोन में आपको देखने को मिलेगा 5000 mAh का बैटरी और 18W का चार्जर इन द बॉक्स। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना गाइस, कि जो लावा ब्लेज प्रो 5G जिन्होंने भी खरीदा है उसको सिर्फ एक चीज से रिग्रेट होगा, क्योंकि इसमें बैक ग्लास का होने वाला है, और साथ में जो लुक वगैरह है रिंग टाइप का जो लाइट है वो शायद थोड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर आपको इन सब से फर्क नहीं पड़ता, और अगर आप लोगों ने लावा ब्लेज प्रो 5G खरीद लिया, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा फोन खरीद चुके हो, क्योंकि लावा ब्लेज प्रो 5G में बहुत अच्छे चार्जर मिले हैं, टाइप सी पोर्ट वाले, और उसमें 33W चार्जर है, बहुत सारी चीज है उस फोन में, तो वो मेरे को काफी ज्यादा सही लगा। और ये जो फोन है उससे डाउनग्रेड ही है, तो अगर आपके माइंड में अच्छा ऐसा कुछ किक कर रहा होगा कि नहीं यार मैं कोई वेट करना था ये फोन खरीदना था, ऐसा कुछ नहीं गाइस, आप लोगों ने बहुत अच्छा फोन खरीदा है अराउंड 12,500 रुपए में। और ये जो फोन है गाइस, यहाँ पे आपको मिलेगा 5000 mAh बैटरी, 18W का चार्जर इन द बॉक्स, और साथ में गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 50MP का मेन कैमरा, और जो सेकेंडरी कैमरा होने वाला है वो मे बी 2MP का या फिर 0.8MP का AI कैमरा हो सकता है। प्राइस कटिंग के लिए यहाँ पे लावा ये सब करेगा, मुझे पता है। फ्रंट कैमरा जो है वो 8MP का सेल्फी कैमरा हो सकता है, क्योंकि इस फोन को जो है ना बहुत ही बजट में लॉन्च करना है, और ये सब चीज उनको देना पड़ेगा। और यहाँ पे एक चीज मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, कि यहाँ पे अगर फुल HD के साथ 120Hz रिफ्रेश रेट दे दिया जाए, बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 90Hz तो लावा ब्लेज में था ही, और 120Hz हो सकता है क्योंकि लावा ब्लेज प्रो 5G जो है इसी स्पेक्स के साथ लॉन्च हुआ था, तो अगर ऐसा होता है तो बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। और यहाँ पे गाइस आप लोगों को देखने को मिलेगा 4GB रैम और साथ में 128GB का इंटरनल मेमोरी। यहाँ पे गाइस दो ऑप्शन है, 4GB रैम और 64GB का, और साथ में 6GB रैम और 128GB का। जहाँ पे गाइस लावा ब्लेज प्रो जिन्होंने भी खरीदा उनको 8/128 ऑफर हो रहा है, साथ में 8GB का वर्चुअल रैम भी ऑफर हो रहा है। तो यहाँ पे गाइस जो लावा का फोन है लावा ब्लेज 2 5G, इसमें भी वर्चुअल रैम ऑफर किया जाएगा, जो अराउंड 6GB तक का हो सकता है। तो गाइस यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने सारे स्पेसिफिकेशन आप लोगों को बता दिए इस फोन में जो जो मिलने वाले हैं, और अब प्राइस की बात कर लेते हैं। और अगर 120Hz आता है तो 4 चांद लगने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे 90Hz भी हो सकता है, क्योंकि प्राइस इनको कम रखना है, और लावा ब्लेज प्रो 5G जो लॉन्च हुआ था 12,500 रुपए में, उससे कम ही रखेंगे तभी ये फोन जो है अपने लेवल में होगा। और जो लावा ब्लेज है वो 10,000 रुपए में लॉन्च हुआ था, बाद में उसका 6/128 4/128 ऐसे जो है वो लॉन्च होता गया, पहले 4GB और 128 के साथ ही लॉन्च हुआ था। तो अब गाइस ये जो फोन है वो लॉन्च होने वाला है, बेस वेरिएंट की बात करें तो उसका प्राइस हो सकता है 11,000 रुपए, 10,999 रुपए के अराउंड, या फिर गाइस यहाँ पे 12,000 रुपए से ऊपर इसका प्राइस नहीं जाएगा,
और हायर वेरिएंट का प्राइस थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे 12,000 रुपए और 10,000 रुपए के बीच में ही होने वाला है। अगर ये फोन 9,999 रुपए में आ जाता है और या फिर उससे भी कम में, तो चार चांद लग जाएंगे, तहलका मच जाएगा। क्योंकि कुछ दिन पहले आईटेल ने एक 5G फोन लॉन्च कर दिया है और आईटेल एक ऑफलाइन मार्केट का अच्छा ब्रांड है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि गाइस जैसे रूरल एरिया है वहाँ पे लोग जो ऑफलाइन मार्केट में आईटेल के फ़ोन्स लेते हैं, और मेरे सामने मैंने देखा है लोगों को लेते हुए, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो फ़ोन चल रहा होगा। और वैसे ही लावा भी बहुत अच्छे से चलेगा क्योंकि अपना इंडियन ब्रांड है यार, और मतलब अच्छे स्पेक्स प्रीमियम फ़ोन निकालता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि कॉस्ट कटिंग कर दिया, कोई फिनिशिंग नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, हर चीज़ अच्छे होते हैं। और पूरे स्पेक्स मैंने आपको बता दिए, प्राइस भी मैंने आपको बता दिया, और ये जो फ़ोन है वो लॉन्च होने वाला है 2 नवंबर को लॉन्च है गाइस। तो फटाफट से आप लोग कमेंट करो कि क्या इस चैनल में आप जानना चाहते हो इस फ़ोन के बारे में, मतलब मैं इस फ़ोन को खरीद के रिव्यू करूं या फिर नहीं, प्लीज़ कमेंट करो जल्दी से। और मैं तो एक्साइटेड हूं फ़ोन खरीद के रिव्यू करने के लिए, आप लोग बस कमेंट करके यस यस जो भी है वो बोल दो। और फटाफट जब भी फ़ोन लॉन्च होगा अपने पैसे लगाएंगे, और रियलिटी जो है वो हमेशा से हम दिखाते आए हैं, तो वही चीज़ आपको दिखाएंगे। तो सब्सक्राइब करके रखो, फिर ऑलरेडी मिडिल पंच होल के साथ आएगा, यहाँ पे कोई भी वाटर ड्रॉप नॉच नहीं होने वाला, नीचे में थोड़ी सी बड़ी चेन मिलेगी, बाकी हर चीज़ मेरे को ठीक लगा। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा, और जो पीछे है वो ग्लास होने वाला है, और जो फ्रेम है वो जो है वो प्लास्टिक का ही होगा 100%। और यहाँ पे जो इस बार स्पीकर का जो होल है वो थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन का है, तो वो मुझे अच्छा लगा। बाकी टाइप सी पोर्ट वगैरह तो होंगे ही, और थोड़ा सा लाउड स्पीकर आपको देखने को मिलेगा बाकी लावा के फोन से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सो होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।